हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन करेंगे। थॉमस, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दिखने में तो ये बहुत सुंदर है, ये क्या है मानस? मेरी बहन की शादी की मिठाई है। तुम जानते हो मानस, इस मिठाई को पूर्णतः चांदी की वरक से ढका गया है। अरे वाह, इसे ढकने के लिए कितनी चांदी की वरक का इस्तेमाल हुआ होगा? इसका उत्तर तो हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, ये मिठाई तो वृत्ताकार है ना? अरे नहीं थॉमस, ये गोला स्फीयर है। अब ये गोला स्फीयर कौन सा आकार है? थॉमस, जिस तरह वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, ठीक उसी तरह गोला स्फीयर एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जो स्पेस में स्थित उन सभी बिंदुओं को मिलाकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। ये निश्चित बिंदु गोले का केंद्र सेंटर कहलाता है और निश्चित दूरी गोले की त्रिज्या रेडियस कहलाती है। अच्छा, मैं गोले के बारे में तो समझ गया, लेकिन हम इस मिठाई के गोले को ढकने के लिए इस्तेमाल हुई चांदी की वरक का पता कैसे लगाएंगे? चांदी की वरक इस मिठाई के गोले को पूर्णतः ढक रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मिठाई के गोले को ढकने के लिए इस्तेमाल हुई वरक इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। बात तुम्हारी सही है, लेकिन हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? हमें तो इसका सूत्र मालूम ही नहीं है। तो चलो हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर ले। मान लो इस मिठाई के गोले की त्रिज्या आर है। अब कल्पना करो कि हम इस गोले पर इस तरह से एक डोरी लपेटते हैं और डोरी को गोले पर लपेटते हुए इस गोले को पूर्णतः ढक देते हैं। अब एक कागज पर यदि हम गोले की त्रिज्या आर वाले चार वृत्त इस तरह से बनाएं और जो डोरी हमने मिठाई के गोले को लपेटी थी उसे को एक एक करके इन वृत्तों पर रखकर वृत्तों को भरे तो हम पाएंगे कि वो डोरी जिसने गोले के पृष्ठ को पूर्णतः ढक दिया था अब उसी गोले की त्रिज्या वाले चार वृत्तों के क्षेत्र को भर रही है। क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या अर्थ हुआ? मैं समझ गया, इसका मतलब त्रिज्या आर वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या आर वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है और त्रिज्या आर वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई गुणा आर का वर्ग है। अरे वाह मानस, हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चार गुणा पाई और आर का वर्ग है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। शाबाश थॉमस, लेकिन तुम अब किस सोच में डूब गए? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मिठाई के गोले को तुम्हारे साथ जरूर बांट कर खाऊंगा, लेकिन अगर हम इसे दो समान भागों में काट कर बांटें, तो ये नई आकृति
अब कौन सी होगी? थॉमस, यदि हम कोई भी ठोस गोला लें और उसे बीच से उसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा दो भागों में काट लें, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा और इसका प्रत्येक आधा भाग एक अर्धगोला हेमिस्फीयर कहलाता है। अब इस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा मानस? बताता हूँ, पहले तुम मुझे बताओ कि इस अर्धगोले में कितनी फलके हैं? दो, इनमें से एक वक्रीय है और दूसरी समतल फलक है। बिल्कुल ठीक, इस वक्रीय फलक का क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, अर्थात अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π और r के वर्ग के गुणनफल के बराबर है, जहां r अर्धगोले के आधार की त्रिज्या है। और देखो मानस, यदि हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके समतल फलक के क्षेत्रफल को जोड़ दें, तो हमें अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का सूत्र भी ज्ञात हो जाएगा। इस तरह अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3π r के वर्ग का गुणनफल है। चलो मैं जल्दी से इन सूत्रों को सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। तुम गोले और अर्धगोले के चक्कर में तुम्हारा मूल प्रश्न तो भूल ही गए। चलो जल्दी से इस मिठाई के गोले पर कितनी वरक लगी है उसका हल ढूंढो। अरे हाँ, मैं इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में आर की जगह मिठाई के गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर लिखकर इसे जल्दी से हल कर लेता हूँ। देखो मानस, इस मिठाई के गोले पर 154 वर्ग सेंटीमीटर चांदी की वरक लगी है। शाबाश थॉमस, अब चलो हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले और इस मिठाई के गोले को आधा आधा बांट कर खा ले। दोनों दोस्तों ने मिलकर खूब आनंद उठाकर इस मिठाई के गोले को आधा आधा बांट कर खा लिया। इस वीडियो में हमने गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन किया। हमने सीखा, एक गोला स्फीयर और अर्ध गोला हेमिस्फीयर क्या होता है, दो गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कैसे ज्ञात करें। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।